हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय ई लर्निंग यूट्यूब चैनल एमपी तिवारी स्टॉक एंड एफएनओ ट्रेडिंग में आपका मोस्ट वेलकम है। एंड आज आप लोगों को एक पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यह एक पावरफुल सेटअप भी है। सो दोस्तों, ये सेटअप या इंडिकेटर किस तरीके से आपके लिए काम करेगा एंड इसकी कुछ हिंट मैं आपको अभी इस वीडियो के फर्स्ट में ही दे देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं कंप्लीट एंड किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी इंडिकेटर, किसी भी सेटअप को आप लोग समझने का पूरा प्रयास ही नहीं करते हैं। सो दोस्तों, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये आपके लिए ये सेटअप वर्क नहीं कर रहा है एंड ये इंडिकेटर आपके लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपने जो वीडियो देखा, जो इंडिकेटर्स या जिस सेटअप के बारे में आपने समझा, क्या उसको आपने 100% अपना एफर्ट दिया या नहीं दिया, ये आप अपने दिल से पूछिए, अपने मन से पूछिए एंड ये अपने आप से पूछिए कि आपने जिस चीज़ को समझा, पढ़ा एंड जो चीज़ आपने देखा, क्या वो 100% आपने उसमें अपना एफर्ट दिया कि नहीं दिया। सो दोस्तों, आपको उसका आंसर बहुत ही जल्द क्विकली आपको सेल्फ से ही मिल जाएगा। उसको किसी भी तरीके से किसी बंदे को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, चलिए इस सेटअप या इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 90% से ऊपर का एक्यूरेसी है जिस पे आप स्कैल्पिंग पोजिशनल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं लास्ट 6 ईयर से मार्केट में हूँ एंड इस सेटअप का लगभग मैंने 2 साल तक यूज़ किया है एंड इससे अच्छे खासे पैसे भी बनाए हैं। सो दोस्तों, मेरा मन किया कि मैं इस सेटअप के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने 2 साल अपने एक अच्छे परफॉर्मेंस या इस तरीके से भी आप कहें कि मैंने अच्छा पैसा बनाने के लिए सेटअप पे यूज किया एंड मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला। सो दोस्तों, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं या जो प्रो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा साबित होने वाला है। सो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट का एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम क्लीन चार्ट दिख रहा होगा। ये ग्रीन रेड का एक कॉम्बिनेशन जो कि एक चैनल बना रही हैं या एक चार्ट बना रही हैं। सो दोस्तों, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी एंड चलिए मैं आपको इंडिकेटर पे ले चलता हूँ एंड यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मार्कर लेना है, ऑलरेडी शायद मैंने प्लॉट करके रखा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सो इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ। इनपुट पे जाना है आपको, यहाँ पे 9 लिखा रहता है, देन आपको यहाँ पे 5 करना है एंड यहाँ पे सोर्स ऑफसेट इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है। मेथड में आपको SMA रखना है एंड लेन में 5 ही रहेगा एंड ओके कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग पे क्लिक करके स्टाइल पे जाना है एंड आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी कलर आपका फेवरेट हो, यहाँ पे आप ब्लैक, जैसे कि मैंने ब्लैक लगाया है एंड यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे जाके आप इसको थोड़ा सा जिस तरीके से भी आपको चाहिए सेटिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पे शो करना है, ओके। एंड अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे एक इतने सुंदर से चार्ट पे ये क्या प्लॉट हो गया। सो दोस्तों, यही है इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन या इस पूरे वीडियो का एक अच्छा खासा निष्कर्ष, जिससे कि आप लोग पैसा कमाएंगे। सो दोस्तों, ये प्लॉट हो गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 EMA। 5 EMA का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो दोस्तों 5 क्यों लगा है? क्योंकि 5 मिनट का चार्ट रहेगा, 5 मिनट के पूरे हम लोग ग्राफ को वॉच करेंगे एंड वॉच करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे हमें इंडिकेशन देता है, किस तरीके का इंडिकेशन देता है जिससे कि हम लोग पैसा कमा पाते हैं। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे देखिए, मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई, ओके, एक मार्केट ने यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अगेन ऊपर साइड का मूवमेंट का, देन यहाँ पे मार्केट ने प्रोजेक्शन बनाया एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली दिया। सो दोस्तों, ये रैली तो बहुत अच्छी है, बट क्या इस रैली को आप रियल में कैप्चर कर पाते हो लाइव मार्केट पे? क्या लाइव मार्केट पे आपको इतना क्विकली प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ट्रेड छूट जाता है? सो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। डोंट वरी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिनका मैं टाइम रहेगा तो ज़रूर रिप्लाई दूंगा एंड स्टॉक से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी होगी उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस 5 EMA के एक्यूरेसी को आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, एक दिन में या बोलें तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला। सो दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है
इसका रूल क्या है? 5 PMA का रूल ये है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपके इंडिकेटर सेक्शन पे जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम, CPR और भी चीज़ें प्लॉट करके रखा है, देन सबको मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अदरवाइज शो करके नहीं रखा है। 5 PMA अभी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको भी करना है। एंड देखिए, यहाँ पे ये देखने की कोशिश करना है एंड कि कहाँ पे इन कैंडल्स से हमारा EMA एकदम चिपक के चल रहा है। सो दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल एंड ये, देन ये, एंड यहाँ पे आपको देखना है कि ये इस कैंडल तक तो 5 PMA इसके सपोर्ट पे था, बट यहाँ पे इस कैंडल से डिस्टेंस देखिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से लेके लगभग लगभग ये आपको ये बड़ा सा क्या मिल गया, इंडिकेशन मिल गया। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसा आए, आपका फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ या रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, 5 PMA आपके इंडिकेटर सेक्शन पे प्लॉट रहेगा एंड आपको बस फॉलो करते जाना है, चार्ट को फॉलो करता है, आपको और कुछ भी नहीं करना, चार्ट को फॉलो करना है एंड ये देखना है कि यहाँ पे 5 PMA कहाँ पे कैंडल को छोड़ता है। आप ये समझ गए ना, 5 PMA यहाँ तक आया, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल एंड ये कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल से कितना डिफरेंस सेक्शन पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। इस कैंडल को छोड़ दिया 5 PMA, समझ जाइए कि यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल गया। ये देखिए, जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा एंड इसका लो यहाँ कहीं, या इस रेड कैंडल को जैसे ही बनाता है, मतलब इस कैंडल को जैसे ही यहाँ पे आपको दिखाएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल का टाइम एंड होने वाला है, देन आपको एंट्री करना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं अगर आप एंट्री करते हैं, आपका 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड आपका प्रॉफिट की बात करें तो 113 रुपए के आसपास आपको मिला। ये कैंडल छोटी जरूर दिखाई देती हैं, बट ये बहुत बड़ी कैंडल्स होती हैं जब आप लाइव मार्केट पर अपना पैसा लगाते हैं एंड यहाँ पे जब आप एंट्री कर जाते हैं, आपके पास मल्टीपल लॉट्स होते हैं या आप भले ही सिंगल लॉट से हों, तो 113 रुपए का मूवमेंट कम नहीं होता है। आपको ये चीज़ मार्केट में अगर आप काम करते होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। देन आपको यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल गया ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना एंड यहाँ पर आपको प्रॉफिट लगभग लगभग 1:5 का भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेड मिल गया एंड फिर से आप लोगों को फॉलो करना है कैंडल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोड़ा, यस राइट था, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना होगा कि इस सेटअप पे स्टॉप लॉस भी, कुछ स्टॉप लॉस होते हैं बट वो फ्रिक्वेंटली हिट हो जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स के ग्रिप में था मार्केट एंड यहाँ तक तो मार्केट ने पूरा रैली लिया एंड यहाँ पे आपको फॉलो करते जाना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, ये देखिए एक इनसाइड कैंडल बन गई एंड अगेन छोटी सी कैंडल, अगेन छोटी सी कैंडल अगेन, बट यहाँ पे देखिए मार्केट ने, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होते जरूर आपका SL हिट हो सकता था, बट यहाँ पे देखिए अगेन आपको इतना बड़ा लगभग 250 पॉइंट के आसपास का एक मूवमेंट मिला। सो इस तरीके से दोस्तों आप इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन ये देखिए, ये इस बड़ी सी कैंडल को 5 PMA ने टच करना छोड़ दिया एंड इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के हाई से भी आप एंट्री करते तो आपका 10 से 15 रुपए या 20 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होता एंड यहाँ भी 100 रुपए के आसपास लगभग आपको मिल गए हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सेटअप का क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल एंड ये देखिए आपको एक इंडिकेशन मिल गया स्टॉप लॉस एंड ये देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट मिल गया, लगभग लगभग 110 या 120 रुपये का। सो दोस्तों, इस पे नहीं जाना है या आपका स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली, मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी फ्रिक्वेंटली हिट होता है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 100 से इस पे ट्रेड लेते हैं देन आपके विन की प्रोबेबिलिटी 90% के प्लस होती है। क्यों? 10 आपके जो स्टॉप लॉस होंगे दोस्तों, वो भी आपके जब भी ट्रेड मिलेंगे ना, जब भी आपको वो ट्रेड मिलेगा ना, वो ट्रेड आपको 1:3, 1:4, 1:5 तक दे जाएगा। सो 10 स्टॉक
जो जो 10 ट्रेड के SLV होंगे, सो दोस्तों वो आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। एंड इस सेटअप को आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, एंड इस सेटअप पे कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, एंड इस पे नया और क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंड आप इस सेटअप का यूज़ कीजिए लाइव मार्केट पे। अगर आप इस सेटअप का यूज़ करके अच्छा पैसा बना लेते हैं, तो इस पे और भी क्या नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, एंड क्या चीज़ें आपको और ऐड करनी चाहिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें ऐड करके नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लाइक देते हैं, सपोर्ट देते हैं, शेयर देते हैं, सो दोस्तों आपके लिए और दूसरा इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।